आज फिर कहना चाहता हूं, इवन एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन, कि मैं इंशाल्लाह कभी आपसे गलत बयानी नहीं करूंगा। सेवन कोई गलती हो जाए तो वो अल्लाह ताला माफ़ करे, ऑनेस्ट मिस्टेक्स हम सब से होती हैं, लेकिन होशो हवास में हवास कायम रखते हुए कभी मैं इंशाल्लाह कौम से गलत आदाद शुमार या गलत बयानी नहीं करूंगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो लाहौर में जो ऑरेंज लाइन जो एक तोहफा है चीन का पाकिस्तान के, लाहौर के अवाम के लिए, पंजाब के अवाम के लिए और पाकिस्तान के अवाम के लिए, किस तरह तातुल का शिकार करवाया गया। पीटीआई के वकीलों ने लाहौर हाई कोर्ट में उसके खिलाफ पटिशन दी, एक साल से ज़्यादा वो वहाँ पर लिटिगेशन थी, फिर ऑनरेबल जजेस ने 300 सफ़े का फैसला लिखा और उसको बिल्कुल क्लीन चिट दी। पीटीआई के वकीलों ने गले फाड़ फाड़ के कहा कि जनाब इसमें अरबों की करप्शन हो गई है। जजेस ने कहा हम उसको देखेंगे। जब उन्होंने बड़े करीब से इस मंसूबे को देखा और बास जो एग्रीमेंट्स की जो शिकें थी वो पब्लिक नहीं हो सकती थी, उन्होंने अपने चेंबर में मंगवा के वो एग्रीमेंट देखे, तो उन्होंने फिर फैसला दिया। फैसला जो उन्होंने उसको टेक्निकल ग्राउंड पे कि इसकी अपना मजीद इसकी जो जियोलॉजिकल इसकी सर्वे होना चाहिए था, फना होना चाहिए था, जो उनका हक है हाई कोर्ट के जजेस का हक है, मगर करप्शन का एक ढेला वहाँ पर साबित नहीं हो सका।